महिला थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा 30 लाख रुपए दहेज मांगने के लिए प्रताड़ित करने वाले मामले में पुलिस ने सास ससुर सहित पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल महिला थाना पुलिस ने विष्णुपुरी में रहने वाली एक महिला की शिकायत पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति और सास ससुर के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। वर्ष 2016 में भावेश भवसार से महिला का विवाह हुआ था। उस दिन से ही सास ससुर और पति द्वारा लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जहां 30 लाख रुपए की दहेज की मांग की जा रही थी। पीड़ित महिला के परिवार वालों ने अपनी बेटी की खुशी के लिए कई बार मिन्नतें भी की, लेकिन पति और सास ससुर इसके बावजूद आए दिन महिला को प्रताड़ित किए जा रहे थे। पति मूलतः अहमदाबाद का रहने वाला है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला के द्वारा अपने पति भावेन भावसार, सास उषावेन भावसार, ससुर पंकज भावसार के विरुद्ध अपराध दर्ज कराया गया है, दहेज प्रताड़ना का। उसकी शादी हुई थी 2016 में, उसको एक बेटा भी है महिला को। इसके बाद ससुराल में लगातार उसको शारीरिक मानसिक रूप से पति सास ससुर प्रताड़ना देते रहे हैं, मारपीट करते रहे, गाली गुप्ता बुरी बुरी करते रहे उसके साथ में हैं। 30 लाख रुपए दहेज की उससे मांग करते हैं, है ना। उसने अपना घर बसाने का अभी तक बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं समझ रहे हैं, उसको प्रताड़ना करते हैं। तो उसने महिला थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराई, अपराध दर्ज कराया उन लोगों के खिलाफ। अनाभेदक पक्षी आरोपी पर अहमदाबाद का रहने वाला है, महिला का मायका इंदौर में है, क्योंकि उसको अधिकार उसने इसलिए दर्ज कराया। पति क्या करता है? पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है किसी कंपनी में। बाहर ही रहता है वो? बाहर अहमदाबाद में रहता है, और वो व्यापार वगैरह डालने के उद्देश्य से उससे पैसों की मांग कर रहा था। लगभग कितने पैसों की मांग करी? 30 लाख रुपए की मांग करना बताया उसने अपनी शिकायत में। 30 लाख रुपए मांगते हैं।